हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑटो एडिक्शन अगर आप भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट फिट करवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो दोस्तों जैसा हम देख रहे हैं आजकल की सीएनजी की गाड़ियों की कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं तो इसी के कारण मिडिल क्लास मैन है जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सभी सी uh, गाड़ियों की तरफ रुझान कर रहे हैं सी की गाड़ियों को ही प्रीफर कर रहे हैं ज़्यादा और उनमें से ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नई सी कार लेने के पैसे नहीं हैं तो वो लोग फिर अपनी पुरानी गाड़ियों में ही सी एन किट फिट करवा रहे हैं बाहर से हाँ सी एन किट हम कंपनी से भी फिट करा सकते हैं और बाहर से भी करवा सकते हैं लेकिन कम कॉस्ट होने के कारण लोग अपनी गाड़ियों में सी एन किट बाहर से ही फ़िट करवाना ज़्यादा प्रेफर प्र, कर रहे हैं अभी लेकिन बाहर से लगवाई हुई सी एन किट के बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी हमने देखा है कि बहुत सी सी की गाड़ियाँ रोड पर आग लग जाती हैं उनमें और ऐसा केस हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर से फिट करवाई सी में ही देखने को मिलता है सबसे पहली बात तो हमें कभी भी सी किट किसी भी अनऑथराइज मकैनिक से नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने के कारण बहुत सी चाइनीज़ नकली सी एन किट्स अवेलेबल है मार्केट में और उनमें वायरिंग और अदर कंपोनेंट्स जो भी होते हैं सी किट में काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं तो वो मकैनिक तो हमें करके दे देगा जैसा भी उसको तो काम चलाना है उसके पैसे बन जाएंगे उससे ही लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी किट लगवा रहे हैं और कहाँ से लगवा रहे हैं तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी किट सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है सबसे ज़्यादा टेक्निकल इशू की वजह से आग पकड़ती है ज़्यादा तो वो है सबसे सस्ती वाली किट जो हमें मार्केट में मिल जाती है आसानी से तो उसको कन्वेंशनल सीएनजी किट बुलाते हैं ये सीएनजी किट काफ़ी ज़्यादा अनसेफ़ होती है और यही वाली सीएनजी किट गाड़ी में आग लगने का बड़ा कारण बन जाती है तो कन्वेंशनल सी किट में ई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जो सी की क्वांटिटी जो इंजन के अंदर जानी है कम्बशन के लिए उसको कंट्रोल करता है वो नहीं होता है जिसके कारण देर इज नो कंप्यूटर कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ सी एन द इंजन जिसके कारण क्या होता है कि अनिवन फ्लो हो जाता है गैस का इंजन के अंदर तो गैस जाती है इंजन के अंदर जहाँ पे उसका कम्बशन होता है कंबशन चैम्बर के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग जो एक चिंगारी जैसी जनरेट करता है जिससे कम्बशन स्टार्ट होता है और सस्ती के कारण जो हम सी किट लगवाते हैं उसमें यह स्पार्क प्लग काफ़ी वीक क्वालिटी का होने के कारण बैक फायर हो जाता है जिससे गाड़ी में एक एक्सप्लोजन होता है अगर ये एक्सप्लोजन माइल्ड क्वांटिटी का है तो ये एयर क्लीनर असेंबली में से निकल जाता है और वोस्ट केसेस में ये एयर क्लीनर असेंबली को भी बस्ट आउट कर सकता है जिससे गाड़ी में एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस टाइम अगर गाड़ी में थोड़ा बहुत भी कहीं लीकेज है तो गाड़ी पूरी तरह से बर्श आउट हो सकती है पूरी गाड़ी में आग लग सकती है तो ये तो था एक टेक्निकल रीज़न थोड़ा अंदर डिटेल में जिसके कारण गाड़ियों में आग लगती है सी की गाड़ियों में और इन किट्स की वीक क्वालिटी होने के कारण लीकेज भी एक कॉमन रीज़न है गाड़ी में आग लगने का और रीज़न्स जैसे सिलेंडर की क्वालिटी वायरिंग की क्वालिटी इनमें सब चीज़ों की क्वालिटी काफ़ी वीक होती है जिनमें कभी भी कहीं भी स्पार्क होने की वजह से आग लग जाती है गाड़ी में तो रोड साइड मैकेनिक से हम अगर हम सस्ती कन्वेंशनल किट लगवा लेते हैं तो इनकी वीक क्वालिटी होने के कारण द कार कैच फायर ईजीली तो इसलिए हमें कभी भी अपनी गाड़ी में कन्वेंशनल जो ये रोड साइड मैकेनिक से किट्स नहीं लगवानी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास सी की गाड़ी है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you.